हिमाचल राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में राज्य की योजनाओं का भी संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है और केंद्र सरकार की योजनाएं भी आम व्यक्ति तक पहुँचें, इसके लिए जयराम ठाकुर सरकार ईमानदारी के साथ 4.5 वर्ष से काम कर रही है। आप सब भी इस बात को अनुभव कर रहे होंगे। जन समर्थन भाजपा के साथ है, कार्यकर्ता समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योजनाओं का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का जो त्रिदेव रचना है, यह हमारी संगठनात्मक रचना है। हर बूथ पर त्रिदेव हैं। आज 6,100 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये सारे के सारे जब अपने बूथ पर लगेंगे तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कामयाबी मिल रही है। इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में जो नई योजनाओं का सृजन हुआ है, आय सहायता के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना बनी है और हम खेती की दृष्टि से किसान उन्नत खेती की ओर जाए, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें, फिर एफपीओ की योजना हो, 1,00,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मामला हो, अल्पकालिक ऋण के रूप में 16,00,000 करोड़ रुपया किसान को उपलब्ध कराने का मामला हो, ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और इसके सदपरिणाम हम लोगों के सामने आना शुरू हो गए। अनेक स्थानों पर अगर आप सर्वे करके देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि किसान बोलता है कि हमारी आमदनी दुगनी से भी अधिक हो गई है और इसकी एक रिपोर्ट हम कुछ दिन में जारी करेंगे। हिमाचल राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में राज्य की योजनाओं का भी संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है और केंद्र सरकार की योजनाएं भी आम व्यक्ति तक पहुँचें, इसके लिए जयराम ठाकुर सरकार ईमानदारी के साथ 4.5 वर्ष से काम कर रही है। आप सब भी इस बात को अनुभव कर रहे होंगे। जन समर्थन भाजपा के साथ है, कार्यकर्ता समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योजनाओं का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का जो त्रिदेव रचना है, यह हमारी संगठनात्मक रचना है। हर बूथ पर त्रिदेव हैं। आज 6,100 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये सारे के सारे जब अपने बूथ पर लगेंगे तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कामयाबी मिल रही है। इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में जो नई योजनाओं का सृजन हुआ है, आय सहायता के लिए पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना बनी है और हम खेती की दृष्टि से किसान उन्नत खेती की ओर जाए, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें, फिर एफपीओ की योजना हो, 1,00,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मामला हो, अल्पकालिक ऋण के रूप में 16,00,000 करोड़ रुपया किसान को उपलब्ध कराने का मामला हो, ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और इसके सदपरिणाम हम लोगों के सामने आना शुरू हो गए। अनेक स्थानों पर अगर आप सर्वे करके देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि किसान बोलता है कि हमारी आमदनी दुगनी से भी अधिक हो गई है और इसकी एक रिपोर्ट हम कुछ दिन में जारी करेंगे।